वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदेश सर क्लास लेके आए हुए हैं चाहे भाषा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे, चौकीदार भर्ती के लिए आपने फॉर्म भरे हुए थे तो आपकी इंतजार की घड़ी आ गई है खत्म और आपका एडमिट कार्ड आ गया है। दोस्तों, तो एडमिट कार्ड कहाँ से कैसे डाउनलोड करेंगे, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे, एडमिट कार्ड को देखने के लिए आप क्या करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे और ये देखिए आपका एडमिट कार्ड आ गया। जैसा देखें, आपका यहाँ नाम दिया हुआ है और यहाँ का गार्जियन नेम है और यहाँ का आपका देखें तो डेट ऑफ बर्थ भी है और यहाँ पर बात करें आपका एग्ज़ाम तिथि भी दी गई है, यानी 19 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है 11 बजे से 12:30 बजे तक और रिपोर्टिंग टाइम आपका है 10 बजे से और टाटा कॉलेज चाईबासा में आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। और यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपना फ़ोटो को चिपकाएंगे और यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा दोस्तों। इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखें। और सभी के कैंडिडेट की यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए और सभी दिया हुआ है, इसमें आवश्यक निर्देश की थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या दिया है। परीक्षा हॉल में जब भी आप जाएंगे तो वहाँ क्या करना है, उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र सत्यापन हेतु एक वैध मूल फोटो आईडी प्रूफ ले जाना है, जैसे आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो। यदि कोई उम्मीदवार मूल फोटो पहचान पत्र साथ में प्रवेश पत्र नहीं लाता है उसे परीक्षा केंद्र प्रवेश करने अनुमति नहीं दी जाएगी, ये आपसे बताया गया। बाकी आप किसी प्रकार की कोई कागजात एग्जाम हॉल नहीं ले जा सकते हैं, ये आपका आवश्यक निर्देश दिया गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। और ये देख रहे विकास मांझी का एडमिट कार्ड है, देख रहे हैं आवेदन संख्या यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर देखें निबंधन संख्या आपका ये आपका है और यहाँ से बात करें आपका यह रोल नंबर दिया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, तो 753 रोल नंबर है विकास मांझी का। और ये देखिए इनका एग्जाम क्या है, 19 सितंबर 2024 को 11 बजे 12:30 बजे तक टाटा कॉलेज चाईबासा में। दोस्तों, यहाँ पर आप अपना फोटो देंगे और यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर नहीं करना है, यहाँ भी आपको नहीं करना है। तो सभी का एडमिट कार्ड आ गया है, इस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड को देख सकते हैं अच्छी तरह से। और इस आपका और भी एडमिट कार्ड आ गया है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका भी है तो इसका यदि देखें तो इनका रोल नंबर 1 है और इनका एग्ज़ाम 19 सितंबर 2024 को है, 11 बजे से 12:30 बजे तक है, टाटा कॉलेज चाईबासा में है, सेम वही प्रोसेस इसका भी दिया है। अगर यहाँ से बात करें इनका भी देखिए, सियापुरटी का एडमिट कार्ड भी आ गया है और ये टाटा कॉलेज चाईबासा में इनका एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं ये भी इनका एग्ज़ाम उसी डेट में है और इस तरह से आप सभी का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको दोस्तों भी बता दूं, यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए 752 से 1219 तक का एडमिट कार्ड यहाँ पर देखेंगे, एग्ज़ाम डेट आपका है 19 सितंबर 2024 को। और यहाँ से देखें इनका भी एग्ज़ाम कब है, ये भी दिया है 19 सितंबर 2024 को, लेकिन ये एडमिट कार्ड 1 से 751 तक और 1 से 751 तक का एडमिट कार्ड को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से यदि बात करूँ तो इसका भी एडमिट कार्ड, यहाँ संपूर्ण सूची को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा तो संपूर्ण सूची आपको दिखाई देगा। और यहाँ से यदि देखें तो अंतिम सूची सभी का प्रकाशन अपडेट यहाँ पर दी गई है, तो इस तरह से आप अपने यहाँ से अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हम लातेहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है और वो अपडेट है लातेहार जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। एक बड़ी नोटिस आ चुकी है, उस नोटिस को हम यहाँ से देखते हैं। जैसे इस नोटिस को हम खोलते हैं, यहाँ पर देखिए 18/8/2024 को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यहाँ दी गई थी और यहाँ से देखिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है और वो अपडेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये किस तरह से आरक्षण में दिया गया था उसके बारे में यहाँ से बताया गया है और यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या 130 दोस्तों, ये आप तो देख चुके हैं। और जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये जिला लातेहार से है कि चौकीदार नियुक्ति के लिए जो जो फॉर्म भरे हुए थे तो किनका किनका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है, यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ सभी की लिस्ट आ चुकी है और इसमें से 261 पेज इसमें दी गई है। जैसा कि आपको दोस्तों मैं बता दूं तो यहाँ पर आप अपना नाम को देख सकते हैं, आवेदित बीट का देख सकते हैं, ग्राम का नाम देते हैं, अभ्यर्थी के भी नाम देख सकते हैं। जैसे देखते हैं कि अजीत कुमार यादव, जैसे अजीत कुमार यादव का फॉर्म क्या है तो इसका फॉर्म एक्सेप्ट है। और उसके बाद यदि यहाँ पर देखें तो आनंद कुमार यादव, इनका फॉर्म एक्सेप्ट है कि नहीं, इसका भी फॉर्म एक्सेप्ट है। उसके बाद देख रहे हैं सुचित कुमार यादव का फॉर्म एक्सेप्ट है कि नहीं, तो इसका भी फॉर्म एक्सेप्ट है। और यहाँ से यदि बात करें और ये सभी कैंडिडेट जो है एक्सेप्ट है इसका किसका, तो चंदन कुमार यादव का फॉर्म एक्सेप्ट है, लातेहार जिला से बिलोंग कर रहे हैं।
और यहाँ से देखिए सभी की स्वीकृति लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आप अच्छी तरह से यहाँ पर दोस्तों आके देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं सभी का स्वीकृति लिस्ट है। तो स्वीकृति लिस्ट किसका किसका दिया है तो एक नज़र से आप नाम को यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तरह की कोई असुविधा हो रही हो तो नाम बतावें, हम आपको समस्या समाधान करेंगे। जैसे तरह मुकेश कुमार यादव, विपिन कुमार यादव, कृष्ण कुमार यादव, ये सभी का फॉर्म एक्सेप्ट है। प्रियासु कुमारी, प्रभात कुमार यादव, सुमित कुमार, पल्लवी कुमारी, ये सभी का फॉर्म एक्सेप्ट है। और यहाँ से देखें श्रवण गंजू, रांजू गंजू, अंजलि कुमारी, ये सभी का फॉर्म क्या है, ये सभी का फॉर्म एक्सेप्ट है, यही उसको बताया जा रहा है। और आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से जाके आप देखें और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल बने सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।